कुछ समय पहला एक खबर काफी ज्यादा वायरल हुई अते वायरल सी कि दो सिख कुड़ियां नू जम्मू कश्मीर दे विच कुछ मुसलमाना ने अगवा करके उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है, जिस नू लेके सिख भाईचारे दे विच काफी ज्यादा रोष देखने नू मिलिया सी। सिख भाईचारा सड़कां दे उतर आया सी अते कह रहे सी कि यह कुड़ियां दा धर्म परिवर्तन धक्के नाल करवाया गया है अते हुण सानू इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले नू लेके हुण पूरी जानकारी सामने आ चुकी है, किते ना किते सिख भाईचारे विच खबरां गलत फैलाइयां जा रही सन, क्योंकि हुण लड़की मनमीत खुद सामने आ गई है अते एक लड़की जो मनमीत है उसने खुद लाइव होकर अपने वालों खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि अज का मामला नहीं है, 2012 दे विच उसने अपना धर्म परिवर्तन करवाया सी, वह भी अपनी मर्जी दे नाल उसने ब्याह करवाया सी एक मुस्लिम लड़के दे नाल, उसके बावजूद भी लड़के दे नाल काफ़ी कुछ गलत किया गया। सिर्फ इन्ना ही नहीं, उसने इस मामले नू लेके जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसनू लेके भी अपने वालों काफी खुलासे किए हैं अते इस सब नू झूठा करार दे दिता। आखिर मनमीत ने की कुछ किया है उथों दिखाने आ। 3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सिख कम्युनिटी कह रही है कि हमारी दो बच्चियां दनमीत और मनमीत मिसिंग हैं, जिसमें मनमीत को तो ये वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमीत को रिकवर कर लिया है और दनमीत जो है दनमीत स्टिल मिसिंग है, अभी भी दनमीत को हमें दिया जाए। और उनकी जो स्टेटमेंट हुई है वो गन पॉइंट पे हुई है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दनमीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है, मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली, मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं, और विद इन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। उसके बाद SHO ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ओरल ले रहा था, मैंने उसको ये बोला आप मेरा स्टेटमेंट रिटर्न कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ आप रिटर्न कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूँ, मैं 29-year-old गर्ल हूँ, मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। वो उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटर्न किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7th को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई, और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे, वो वहाँ पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेनेस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहाँ पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ, हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो देख सकते हो, लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको उनके पास वापस नहीं भेज सकते हैं। मैं उनको बार बार कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड़ के नहीं लाई है, मैं एक मैच्योर गर्ल हूं और मैं एक एडुकेटेड गर्ल हूं। इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहां पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा तो हमारे शूटर्स वहां पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा, या तो वैसा नहीं अगर हम करेंगे एसिड अटैक तो आप पे हो जाएगा, या हम उनकी फैमिली पे एसिड अटैक कर देंगे। वो मुझे थ्रेटनिंग सीधे दे रहे थे मेरे फेस पे, उसके बावजूद भी मैंने उनको कोई वीडियो नहीं दिया। वो मुझे कह रहे थे आप हमें अपना वीडियो दीजिए, वो वीडियो हम कश्मीर में दे देंगे, कश्मीर का जज उस वीडियो पे अपनी जजमेंट दे देगा। लेकिन मैं उनको कह रही थी ठीक है वीडियो तो मैं नहीं दूंगी, अगर मैं स्टेटमेंट दूंगी मैं जज के सामने स्टेटमेंट दूंगी, मैं वहां पर ही दूंगी, क्योंकि सब मेरी रजामंदी से हुआ है, मैं किसी बेगुनाह को नहीं फंसा सकती, क्योंकि ये सब कुछ मेरी रजामंदी से हुआ है। मैंने जब मैं घर से निकली मैंने घर में कॉल भी किया कि मैं किडनैपिंग नहीं है, आप लोग मुझे ढूंढना नहीं, मैं अपनी मर्जी से निकली हुई हूँ। और उसके बाद भी उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, तो हम जम्मू आ गए, क्योंकि उन्होंने उनका जो प्लान था, जो उनका नेक्स्ट प्रोपागंडा वहां पर ये था कि लड़की को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालो,
लड़की जैसे ही बाहर निकलती है हम इस पे कोई अटैक कर देंगे, मे बी वो कुछ भी हो सकता था, वो एक्सीडेंट भी हो सकता था, वो शूट भी हो सकता था। तो उसके बाद हम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम ये मेंशन करेंगे कि एक सडन डेथ हुआ है, इस लड़की का हार्ट कोलैप्स हो गया है या इसको ब्रेन हैमेज हो गया है। हम जो भी करेंगे हम बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे, हम इसको ये बता देंगे इस पे सिर्फ इसका एक सडन डेथ हुआ है, आप लोगों को कोई कभी किसी चीज़ में नहीं पकड़ सकता है। और ये चीज़ मैंने सुन ली थी, मैंने अपनी फैमिली को मॉर्निंग में इंसिस्ट किया हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ सुसाइड कर लूँगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है जैसा आप बोलोगे जम्मू में मैं आपको ये स्टेटमेंट दे दूंगी, बट मैं पंजाब में ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं दूंगी। और उसके बाद हम लोग जम्मू आ गए। जम्मू आते ही जैसे हम एक दिन रुके, नेक्स्ट मैं अपनी फैमिली के साथ 6 जून से लेके 25 जून तक थी। 25 जून को मॉर्निंग में मेरे फैमिली में कॉल आया कि हम कश्मीर पुलिस से हैं, हम गेट के बाहर हैं, आप आइए। तो मेरी फैमिली में दो बंदे बाहर गए, वो उनसे मिले, वहाँ पर जम्मू जानीपुर की पुलिस भी थी, ये नहीं था कि वहाँ पर खाली कश्मीर पुलिस थी, वहाँ हमारे घर के साथ ही एक पुलिस स्टेशन है उनकी पुलिस भी वहाँ पर थी। उसके बाद वो मेरे रूम में आए, उन्होंने मुझे बोला मैडम चलिए हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर हमने देखे, और सीधे पहले मुझे जानीपुर पुलिस स्टेशन में ले गए। जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाद उन्होंने मुझे जानीपुर SHO ने मुझे हैंड ओवर किया कश्मीर पुलिस के हवाले, और उन्होंने को बोला जब सब उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर्स देखे, हाईकोर्ट के डायरेक्शंस देखे, तो उन्होंने बोला आप लड़की ले जा सकते हैं। और उसके बाद ही हम आगे हम यहाँ पर पहुंचे, मुझे वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया। वहां पर मेरे को ना कोई मिलने आया, ना मैं किसी से मिलना ही चाहती थी। और नेक्स्ट डे ही मेरे को सदर पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी आई जो मुझे कोर्ट ले गई। और आप सब एडुकेटेड हैं, मैं खुद भी एडुकेटेड हूँ, आपको पता है कोर्ट में कोई किसी को गन पॉइंट पे कभी उसकी स्टेटमेंट नहीं ले सकता है। अगर ऐसी चीज़ें होने लगी फिर कोर्ट पे भी तो कभी हम यकीन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है, कोर्ट पे कोई किसी को गन पॉइंट पे नहीं रख सकता है। और मेरे को जैसे जम्मू में लाया गया मैं तो किसी से भी नहीं मिली, मेरे को तो वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद ही सुबह स्क्वैड आई, किसी को नहीं पता था कि मेरी हेयरिंग है, क्योंकि मेरी हेयरिंग ऑलरेडी 3 बार डिले हो गई थी, क्योंकि 3 बार 6 से लेके 25 तक हम आउट ऑफ स्टेशन थे, हम जम्मू हम पंजाब में थे, मेरी जो हेयरिंग है वो मिस होती गई। हाई कोर्ट के डायरेक्शन से मुझे यहां पर बुलाया गया, मुझे कोर्ट तक पहुंचाया गया। कोर्ट में जज साहिबा के सामने मैंने अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें मैंने उनको ये बताया है कि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है, मैं 2012 में कन्वर्टेड हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ, उसके ऊपर जितने भी एक्ट्स एलिगेशंस हैं वो बेसलेस हैं, वो फॉल्स हैं, और उन्होंने मेरी स्टेटमेंट सारी रिटर्न रिकॉर्ड कर दी। तो आप सब भी ये जानते हैं कि अगर जज के सामने भी कोई किसी को गन पॉइंट पे रख सकता है तो हम तो किसी पे यकीन नहीं कर सकते हैं। आप सब तो जानते ही हैं ना, सबके फैमिली मेंबर्स, किसी का कोई कोर्ट में होगा, सब इसमें जानते हैं कि जज के सामने ये चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर ये चीज होनी होती ये तो पहले ही हो गई होती, फिर तो ये मुझे आराम से यहाँ पर ला सकते थे अगर मेरी स्टेटमेंट ऐसी होनी होती। और जज के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आप सब वेल नोइंग और वेल अवेयर हैं। और मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूँ, मेरे को पता है मेरे राइट्स क्या हैं क्या नहीं है। सो प्लीज आप इसको एक रिलीजन का मसला मत बनाइए, एक पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, एक माइनॉरिटी किस्सा मत बनाइए, क्योंकि जो चीज़ अपनी रजामंदी से होती है इसको माइनॉरिटी में मत लाइए, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कन्वर्टेड हुई हूँ। और प्लीज मैं सबसे ये बोल रही हूँ कि ये 2 दिन और 3 दिन का मसला नहीं है, 2012 का मसला है। मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरी सिख कम्युनिटी के पास है इस टाइम पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है वो ये क्यों बोल रहे हैं गन पॉइंट पे रखा गया है। हम कोई छोटे बच्चे नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं 28 इयर्स ओल्ड गर्ल हूं, मेरे को कौन गन पॉइंट पे रख सकता है। ऐसा है कि ऐसा भी होने लगा गन पॉइंट पे स्टेटमेंटें होने लगी, फिर तो मुझे लगता है हर एक स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी हर स्टेटमेंट जो है वो मेरी रजामंदी से हुई है, मेरे को कोई दबाव किसी का नहीं था, किसी का भी मेरे को। इनफैक्ट अगर दबाव मुझे दिया गया वो मेरे को बाहर दिया गया कि अगर आप कश्मीर में आपने लड़के के फेवर में कोई भी स्टेटमेंट दी हम आपको जिंदा नहीं रखेंगे, आप पे अटैक होने वाला है, उसकी फैमिली में होने वाला है, उसके ऊपर हो जाएगा, लड़के को हम कभी सेंट्रल जेल से नहीं निकलने देंगे। जिसको देखने के बाद पता लग गया है कि हुण इस मामले नु दबा देना चाहिए, क्योंकि इस मामले दे विच लड़की ने खुद अपने वालों बयान दे दिते हैं कि अपनी खुशी दे नाल
अपना धर्म परिवर्तन करके अपनी जिंदगी नूं उस व्यक्ति दे नाल जी रही है जिस दे नाल उसने ब्याह करवाया सी। तां पूरे मामले नूं देखण तों बाद की तुसीं लड़की दे नाल सहमत हो जां फिर की तुहानूं लगता है कि हुण इस मुद्दे नूं उठाउणा चाहीदा है? अपने वल्लों पूरे मामले नूं लै के अपने कमेंट की देना चाहुंदे हो अपने कमेंट कमेंट बॉक्स विच जरूर देना। बिल्कुल सर, ज्योतिषिक विद्या एक एस्ट्रोलॉजर रोहित जोशी जी दा सारी दुनिया नूं खुला चैलेंज। की तुसीं जिंदगी दे किसी भी समस्या तों परेशान हो? की तुहाडे ब्याह हो रही है देरी? की तुसीं संतान सुख तों वांझे हो? की तुहानूं मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा? की तुसीं लगाना चाहुंदे लॉटरी दा सही नंबर? की तुहानूं नौकरी नहीं मिल रही? की तुहाडा वीजा नहीं लग रहा? की तुसीं विदेश विच पक्का होना चाहुंदे हो? धन दी कमी, बीमारी तों परेशानी, घर बैठे बैठा ही कीता जाएगा तुहाडियां समस्यावां दा समाधान। फेस कम होने तों बाद इन्हां सारियां समस्यावां दे पक्के हल लई इक वार जरूर एस्ट्रोलॉजर रोहित जोशी जो करदे ने फ्री सेवा फ्री समाधान 9998 26004।